क्लच ब्रेक छोड़ने का तरीका कैसे होता है आज की वीडियो में बता रहा हूँ कि गियर गियर भी किस तरीके से होता है। गियर में आपको बताऊंगा कैसे लगाया जाता है। तो जूमिंग करेंगे अपन पहले गियर के पास में। जूमिंग करोगे गियर के पास में, ये होता है गियर। पास में लेकर आओ कैमरा, ये होता है गियर। गियर भी एक तरीके से होता है, ये पैटर्न के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। ये न्यूट्रल होता है, बहुत से लोग को ऐसे डालते हैं यार, इस तरीके से डालते हैं यहाँ वहाँ, तो गियर का कबाड़ा कर दोगे, एक बार में ही कबाड़ा हो जाएगा, टूट जाएंगे गियर। ये होता है हमेशा गियर इसे पैटर्न के अकॉर्डिंग लगाना है, वो भी हमेशा क्लच दबा के लगे। क्लच दबाया मैंने और ये सेंटर पे, अभी मेन पॉइंट पे लेफ्ट करेंगे, ये फर्स्ट गियर। नीचे करेंगे, ये सेकंड गियर। थर्ड के लिए क्या करते हैं लोग, डायरेक्ट मार देते हैं, डायरेक्ट कभी गियर नहीं लगता है। तो न्यूट्रल करेंगे, बीच में छोड़ेंगे, ऑटोमेटिक सेंटर आएगा, सीधे आगे थर्ड गियर। फोर्थ गियर के लिए न्यूट्रल करेंगे और सीधे ये फोर्थ गियर। इस तरीके से गियर को लगाना, मैं एक बार और आपको बताऊंगा। ये फर्स्ट गियर, ये सेकंड गियर, बीच में मैंने छोड़ा, ऑटोमेटिक सेंटर आया, सीधे आगे थर्ड गियर, ये फोर्थ गियर, इस तरीके से के, और ये इधर आके फिफ्थ गियर। अब फिफ्थ गियर से डायरेक्ट रिवर्स कभी नहीं आता, तो न्यूट्रल आएंगे फिर पीछे करके रिवर्स गियर। इस तरीके से अपन को गियर लगाना होता है। अब इसमें ये देखना है कि गियर भी किस स्पीड में कौन सा लगाना है। आउट करो जी जूम को, ठीक है, पूरा दिख रहा ना सब। अब देखो सबसे पहले क्या करना है, गाड़ी को मैंने क्लच दबाया, ये ब्रेक और क्लच है तीनों, तो मैंने पहले क्लच दबाया और गाड़ी को मैंने सेल्फ से स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद ये ध्यान देना है कि लेफ्ट अपन ने फर्स्ट गियर लगाया लेफ्ट के आगे, और धीरे धीरे जब फर्स्ट गियर लगाते हैं धीरे धीरे क्लच छोड़ते हैं। मैंने पहली वीडियो में बताया आपको, ये धीरे धीरे मूव हो रही गाड़ी, देखो हल्का सा स्पीड लिया धीरे धीरे, थोड़ा सा एक पहिया गड्ढे में था इसलिए मैंने ये मूव किया, इस तरीके से ये गम गया। अब क्या करना, सेकंड गियर की स्पीड क्या होती है, पहला गियर की स्पीड होती है जीरो, सिर्फ गाड़ी को उठाने का काम है, गाड़ी मूव किया गाड़ी बढ़ने लगी, ठीक है। और सेकंड गियर की स्पीड क्या होती है, पहले स्पीड बढ़ाएंगे 20, सेकंड गियर की होती है 20 स्पीड, ये मैंने 20 बढ़ाई, 20 पे आई, ये मैंने वाला सेकंड गियर मैंने डायरेक्ट लिया है, ठीक है। सेकंड गियर लगाया, इसके बाद धीरे धीरे गाड़ी मूव हो रही है, गाड़ी चल रही है। अब मैंने एक्सीलेटर दिया क्लच छोड़ के, धीरे धीरे एक्सीलेटर जा रहा है, स्पीड छोड़ा फिर क्लच दबाया, ये मैंने न्यूट्रल करके थर्ड गियर ले लिया, फिर मेरी गाड़ी 30 तक चल रही है। 30 से ना नीचे आने चाहिए ना ऊपर जाने चाहिए, 30 मैनेज करके मेंटेन करके स्पीड चलना है अपन को, इस तरीके से। अभी मैं स्पीड दे रहा हूँ, क्लच पूरा छूटा, आगे मेरी टर्निंग है। अब टर्निंग में एक चीज और देखना है कि टर्निंग में अपन कभी थर्ड गियर में या फोर्थ गियर में कभी टर्न नहीं की जाती है, तो मैंने दिया इंडिकेटर लेफ्ट का और मैंने क्लच दबाया और धीरे धीरे ब्रेक लगाया धीरे धीरे, और ये जा रही गाड़ी सामने का दिख रहा ना पूरा, और धीरे धीरे क्लच छोड़ा, सेकंड गियर लगा के धीरे धीरे गाड़ी आ रही है, ये जा रही गाड़ी, ये मैंने स्ट्रेट किया घुमाने के बाद। फिर मुझे टर्निंग करना लेफ्ट तरफ के लिए, फिर मैंने लेफ्ट किया, सेकंड गियर पहले से लगाया, अपन को सेकंड गियर चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये मैंने स्लो किया थोड़ा सा क्लच ब्रेक से और धीरे धीरे मूव किया। अब यहाँ पे क्या स्लोप, हाई स्लोप है, चढ़ाई वाला, तो धीरे एक्सीलेटर देते हुए धीरे धीरे क्लच छोड़ा मैंने, अब ये गाड़ी मूव हो गई, आराम से चल रही है अब गाड़ी। अब मैंने स्पीड बढ़ाया 30 तक, स्पीड छोड़ा, क्लच दबाया, ये थर्ड गियर लगाया, ये गाड़ी बढ़ गई। अब धीरे धीरे मैं मूव करूंगा फोर्थ गियर की तैयारी करूंगा। अगर आगे स्पेस है अपने पास, जगह है अपन को जाने लायक, या फोर्थ गियर लगाने लायक, तो आराम से बैठ के अपन को फोर्थ गियर भी लगाना है। ये ब्रेकर आ गया फिर से मैंने क्लच दबाया, ये ब्रेक लगाया, कुछ नहीं करना, आराम से सेकंड गियर ले लेना। हमेशा ब्रेक्स और टर्निंग हमेशा सेकंड गियर में निकलता है। स्पीड क्या होना चाहिए अपनी, 20 से ऊपर स्पीड नहीं होती कभी इन चीजों में निकला, और स्लो निकालेंगे तो और बेस्ट है। स्पीड छोड़कर फिर क्लच दबाया, मैंने थर्ड गियर लिया। अभी यहाँ पे आगे भी फोर्थ गियर लगाने की कोई जगह नहीं, अपन फोर्थ गियर ले नहीं पाएंगे, तो आगे ब्रेकर से फिर से, तो मैंने क्या किया, फिर क्लच दबाया, ये स्टॉप नहीं करना, धीरे धीरे स्लो करना है, स्लो किया मैंने, 20 स्पीड लाया, सेकंड गियर लगा लिया। अब धीरे धीरे मूव हो रही गाड़ी, ये ब्रेकर है, अभी मैंने सेकंड थर्ड गियर लगाने का कोई चांस नहीं मिला मेरे को। ये फिर राइट देना इंडिकेटर अपन को, अब राइट जाना है, लेकिन राइट कैसे जाना है, या डायरेक्ट कभी अपन क्रॉस नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, पहले मैं गाड़ी को स्टॉप करूंगा, अपने रोड पे ही स्टॉप करूंगा। अब मैं टाइम का वेट करूंगा, लोगों को देखूंगा, इधर भी देखना है, दिखाओ इधर भी देखना है और इधर भी देखना है, दोनों तरफ देखते हुए फिर गाड़ी को धीरे धीरे मैं बढ़ाऊंगा आराम से फर्स्ट गियर लगा के। और फर्स्ट गियर में ही हमेशा फर्स्ट टाइम जब गाड़ी बढ़ाते हैं, अब देखना यहाँ पर आ रही है गाड़ी, इस तरफ भी गाड़ी आ रही है, ये मैंने स्टॉप कर लिया। अब इस तरफ देखूंगा, जैसे यहाँ खाली हुआ अपने टाइम का वेट करते हुए, मुझे जाना राइट तरफ। अब गाड़ी देखो मूव हुआ, गाड़ी गई, ये गाड़ी आ रही है, ये मूव किया मैंने, ये मैंने स्ट्रेट कर लिया। अब मुझे मौका मिला, मैंने सेकंड गियर लगा लिया,
इस तरीके से आपको ड्राइव कर सकते हो। न्यू बिगनर्स हो सबसे पहले ग्राउंड में जाके आराम से प्रैक्टिस करिए, उसके बाद ऑन रोड प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्पीड छोड़ा क्लच दबा के ये थर्ड गियर लगाया, ये गाड़ी जा रही है देखो, स्पीड छोड़ के क्लच दबा के ये मैंने फोर्थ गियर लगाया। अब देखो, अब एक चीज और, बहुत से लोगों को ये पता होता है कि गाड़ी इधर से उधर बहकती है। क्यों बहकती है? क्योंकि आप ये नॉलेज नहीं ले पाते हो। इसको बंद करो, बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता, लेफ्ट तरफ जो लाइन होती है लाइन के अकॉर्डिंग गाड़ी नहीं चला पाते, गाड़ी बहकती इधर से उधर, है ना। तो अपन को देखना है लाइन कैसे, अपन को जजमेंट लगाना है। इधर देखो लाइन कैसे जजमेंट लगाना है, साइड मिरर से भी देख सकते हैं लाइन कितनी दूर है लाइन से अपनी गाड़ी, और इधर से भी देख सकते हैं लाइन से कितनी दूर गाड़ी है। देख रहे हो व्हाइट लाइन से दोनों तरफ जजमेंट लगा के बीच में चलनी गाड़ी। अब मुझे लेना है राइट तरफ, उधर सब ऑटो जा रही है देखो, तो राइट तरफ इंडिकेट दिया, ये बंदा सामने आएगा, बहुत बढ़िया भाई, वहां पे चल रही चेकिंग, इस चक्कर से लोग बाग वापस आ रहे हैं। स्पीड छोड़ के क्लच दबाया, ये मैंने थर्ड गियर ले लिया। अब देखना है मुझे हॉर्न भी बजाना है, लोग बाग जा भी रहे हैं, देखो रिटर्न आ रहे हैं, वहां चेकिंग चल रही है, तो किसी के पास हेलमेट नहीं है, बेस्ट हेलमेट भी लगाओ, सीट बेल्ट लगाओ, सबसे बेस्ट तरीका होता है अपन को मूव करना। अब मैं जा रहा हूँ धीरे धीरे, ये मैंने लिया और ये निकाल ली गाड़ी, फिर मैंने फोर्थ गियर ले लिया। अब चल रही मेरी गाड़ी 40 में आराम से फोर्थ गियर अफोर्ड कर सकता है, आराम से चला सकते हैं फोर्थ गियर। हाँ, जहां देखना है अपन को, देखो मैंने राइट तरफ ले लिया क्योंकि बीच में नहीं चला सकते अपन गाड़ी को। ये जा रही गाड़ी देखो, अब ये भी क्रॉसिंग भी देखना अपन को, जब कोई सामने आता है तो बहुत पैडल को ऐसे कंट्रोल करके चलना है कि एक सेकंड में कोई भी आ सकता है, कभी भी कोई दिक्कत होगी एक सेकंड में आके टक्कर भी हो सकती है, तो बेस्ट है पहले। अब देखो यहाँ पे ब्लैंक मोड है, टर्न है लेफ्ट तरफ राइट तरफ, तो मैंने क्लच ब्रेक पैर रख लिया सेफ्टी के लिए, इसलिए रख लिया सेफ्टी के लिए, कोई सामने आएगा तो टक्कर हो सकती है। फिर स्पीड बढ़ाया, स्पीड छोड़ के क्लच दबा के मैंने फोर्थ गियर, तो पहले से लगा अपन को कम करने की जरूरत नहीं पड़ी, वैसे जरूरत नहीं है कम करने की। ये मैंने फिफ्थ गियर लगाया, ये मेरी गाड़ी फिफ्थ 60 में चल रही है, 40 अबव 45 अबव 60 तक आप फिफ्थ गियर लगा सकते हो। आप इस तरीके से अपन को रोड का कॉमन सेंस और रोड का नॉलेज आराम से मिल सकता है, लोग बाग कैसे चल रहे हैं अपन को, कैसे लोग बाग लेफ्ट जा रहा है तो अपन राइट से निकाल सकते हैं, राइट जा रहा है तो लेफ्ट से निकाल सकते हैं। हॉर्न बजाना कंपलसरी है क्योंकि भाई लोग बाग कहीं भी जा सकते हैं। इससे अच्छा बेस्ट है अपन इंडिकेटर दिया लेफ्ट का, अब मुझे लेफ्ट जाना है यहाँ से। स्पीड छोड़कर क्लच दबाया, ब्रेक लगाया, यहाँ ब्रेकर है, मैंने वापस सेकंड गियर ले लिया। स्लो निकालते हैं हमेशा ब्रेकर में, कभी तेज नहीं निकाल सकते गाड़ी को। अभी भी आगे ब्रेकर से टर्निंग है, मैं आपको थर्ड गियर नहीं लगाऊंगा, धीरे धीरे चलेंगे। इस तरीके से आप ऑपरेट कर सकते हैं, लेफ्ट राइट का जजमेंट भी देख सकते हो। जो साइड मिरर ORVM होते हैं ना, इनको सेट करके चला जाता है, हमेशा सेट करके ही अपन को चलाना है। ये मैंने बुक किया, स्पीड छोड़कर फिर क्लच दबाया, ये मैंने थर्ड कर लिया, लेकिन अपनी तरफ हूँ अभी मैं, अपना लेफ्ट तरफ नहीं गया, टर्न करने का लेफ्ट भी जा सकते हो, लेकिन मेरी गाड़ी लाइन ना खाली थी, रोड खाली था, तो मैंने आराम से राइट तरफ ही वापस स्ट्रेट किया है। बट आप टर्न करने के बाद सीधा कर सकते हो, तो लेफ्ट तरफ करते हैं हमेशा, लेकिन खाली तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देखना पड़ता है कोई एकदम से आ ना जाए, अचानक ही आते हैं हमेशा। देखो क्रॉसिंग है, मैंने क्लच ब्रेक का पैर रख के रखा है, ये मैंने छोड़ा बढ़ाया, अब मैं स्पीड बढ़ाऊंगा कितनी 45 तक, ये मैंने फिफ्थ गियर लगाने के लिए ये फिफ्थ गियर लगाया। इस तरीके से अपन को मूव कर सकते हैं और चला सकते हैं अपन गाड़ी। कार चलाना बहुत इजी है अगर चीजों को समझ लिया बेस्ट तरीके से माइंड में, कि क्या कैसे करना। यहाँ पे भी देख क्रॉसिंग है, मैं पहले से सेफ्टी रखूंगा क्लच ब्रेक में, भाई कभी भी कोई भी आ सकता है, ब्लाइंड है, कोई सामने नहीं है। फिर मैंने ब्रेक छोड़ दिया, ये बढ़ाया गाड़ी को, इस तरीके से बढ़ सकते हैं अपन। और सामने वाला बंदा भी आ रहा, देखना है आप इस तरीके से, तो उस तरीके से इतना दूर रखोगे भाई सामने वाला रोकेगा तो अपनी गाड़ी आराम से रुक जाए, एकदम से नहीं रोकना, कभी ब्रेक नहीं मारना, आराम से ब्रेक मार लगाया जाता है। देखो मैंने ब्रेक लिया क्योंकि सामने बंदा, वो कभी भी निकल सकता, वो निकला भी देखो आपको। अब ये कर्व है, कर्व भी देखना अपन को, धीरे धीरे टर्न करना आराम से, ज्यादा नहीं एकदम, बहुत से लोग क्या करते हैं ज्यादा घुमा देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, धीरे धीरे ये मूव कर रहा हूँ देखो, ये इस तरीके से ये मैंने स्ट्रेट किया, वापस स्ट्रेट हो गई। आगे अभी भीड़ है, चौराहा टर्निंग है, आप देख सकते हैं कैसे वहां पे निकालूंगा मैं। सबसे पहले क्या करना, गाड़ी को स्लो करना आराम से, अपने टाइम का वेट भी करना, जल्दबाजी कभी नहीं करना ड्राइविंग में। जल्दबाजी में क्या होता है कि सामने हिट होती है गाड़ी हमेशा, या तेज ब्रेक मारेंगे तो पीछे से हिट होगी, अगर नहीं मारेंगे तेज ब्रेक तो सामने से, तो नॉर्मल ब्रेक मारना है आराम से। देखो मैंने क्या किया, 60 में 40 तक डायरेक्ट ब्रेक मारा मैंने, और धीरे धीरे क्लच दबाया, ये मैंने सेकंड गियर ले लिया।
ठीक है। अब राइट इंडिकेटर दिया मैंने, ये दे रहा हूँ राइट इंडिकेटर, धीरे धीरे मूव करेंगे अपन। ये जा रही गाड़ी, देखो अब ये बंदा आया सामने, इसको बचाना भी है, इधर से लेफ्ट तरफ से भी आ रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक है, तो अपन क्या होता है क्लच ब्रेक से ज़्यादा कंट्रोल होता है। ये धीरे क्लच छोड़ा, फिर भी स्पीड बढ़ाया, फिर क्लच ब्रेक लगाया, फिर स्पीड बढ़ाया, इस तरीके से अपन को प्रैक्टिस करनी होती है। अब यहाँ भीड़ है, देखो लेफ्ट जाना है, मैंने मेरे पैडल्स देखिएगा आप किस तरीके से कंट्रोल कर रहा हूँ। अभी मैं ब्रेक भी पैर है, धीरे धीरे मूव करी गाड़ी, आपको एक्सीलेटर देने की ज़्यादा जरूरत है ही नहीं है बिल्कुल भी। टर्निंग है, मैंने टर्निंग किया, थोड़ा थोड़ा एक्सीलेटर दिया मैंने, ये धीरे धीरे अब ये सीधी करनी गाड़ी को, ये सीधी हुई। अब आगे से मुझे वापस यू टर्न करना है। देखो सबसे पहले क्या कर दूंगा, इंडिकेटर दिया, फुल स्टीयरिंग घुमाना, फुल दो बार में स्टीयरिंग घूमती है, देखिएगा आप, ये घुमाया मैंने पूरा फुल, ये घुमा रहा हूँ देखो। अब लोगों को कंफ्यूजन ये भी होगी कि भाई फुल स्टीयरिंग कैसे घुमाना, फुल स्टीयरिंग में क्या होता है, देखो फुल स्टीयरिंग में इंसान, ये इंडिकेटर तो मैंने दिया है मैंने राइट का, ये लोग ये सोचेंगे मेरे को कि राइट घुमाना है, बल राइट नहीं घुमाते, लेकिन मैंने यू टर्न किया है, यू टर्न के अकॉर्डिंग मैंने जज किया है। फिर मैं गाड़ी यहाँ पर स्टॉप करूँगा धीरे से आराम से, ये क्लच दबाया, ये ब्रेक लगाया। अब गाड़ी जब तक बंद नहीं होगी जब तक क्लच ब्रेक नहीं छोड़ा जाता, तो मैंने क्या किया, न्यूट्रल किया, फर्स्ट लगा दिया और हैंड ब्रेक लगा दिया, फिर उसके बाद मैं गाड़ी को ऑफ करूँगा। ये मेरी गाड़ी ऑफ हो गई। तो गाइस कैसी लगी आपको वीडियो, जो भी दिक्कत हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जो भी दिक्कत हो आपको। और आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, जिससे दूसरों को मोटिवेशन मिल सके चलाने में गाड़ी आसानी से। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।